हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज आपका फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लाइव टेस्ट सॉल्यूशन शुरू होने वाला है और इस सेशन में आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे शामिल हो सकते हैं, चाहे आप वो किसी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो। और इस लाइव सेशन में को ज्वाइन करना ना भूलेंगे, चूँकि अब क्या है ना, इस लाइव सेशन में और भी काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ और शामिल होकर देखिएगा कि वाकई में आपका क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी VVI होगा। तो चलिए आज का लाइव सेशन की शुरुआत की जाए और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो रहे हैं इस लाइव सेशन में। और हमारा जो फिजिक्स का चाहे केमिस्ट्री का जो लाइव टेस्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होता है, उसमें काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन का संग्रह होता है और ये क्वेश्चन जो है हमारी टीम की ओर से सिलेक्टेड क्वेश्चन होती है। और हम लोग क्या करते हैं कि 200-300 का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सेट लेकर बैठते हैं, उसमें से क्वेश्चन चूज कर सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए लाइव सेशन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में किया जाए और जैसा कि देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दूँ, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, कहता है दिए गए चित्र में क्यू बिंदु पर कुल बल शून्य है तो क्यू बटा पी, यहाँ पर स्मॉल क्यू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है सो थोड़ा सा मिस्टेक है, ये स्मॉल क्यू होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि इन गिवन फिगर इफ़ नेट फोर्स ऑन क्यू इज़ जीरो देन वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, ठीक है, बाई स्मॉल क्यू, इसी का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। और जैसा कि आपके चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ वो कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं लिख दिया हूँ कि ये कैपिटल क्यू है बटा स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर क्या करते हो। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और चलिए, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं। और बच्चे जरा आप लोग है ना, भीड़ को बढ़ाइए और इस लाइव सेशन में एंजॉय के साथ जुड़िए। और ये हमारा संग्रह है, काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चनों का संग्रह है। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और कुछ बच्चे इसका आंसर, कुछ बच्चे क्या, मैक्सिमम बच्चे मैं देख रहा हूँ अब कि लाइव सेशन में जुड़ गए हैं और ऑप्शन नंबर बी करना भी शुरू कर दिए हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी है ना हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए लाइव सेशन को और आगे बढ़ाया जाए और ये देखिए, ये तो आप क्वेश्चन काफ़ी धमाकेदार है बच्चों। कहता है द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पहला ऑप्शन है ई नोट इंटू सिग्मा, बी जो है सिग्मा बटा, यहाँ ई जीरो नहीं होगा, यहाँ एप्सिलॉन जीरो होगा, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, बी जो है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और सी जो है जीरो, डी जो है एप्सिलॉन नॉट बाई टू है। तो आपको बताने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस लाइव सेशन में अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और संख्या को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और कुछ बच्चे क्या, बहुत बच्चे जो है ना इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं बच्चों, नहीं ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए लाइव सेशन को और आगे बढ़ाया जाए और इस क्वेश्चन का तो आप लोग जवाब दे ही दो बच्चों, चूँकि ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, नहीं एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है, ए ऑप्शन है पावर शक्ति, बी है चार्ज यानी कि आवेश, सी है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, डी है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। आपको बताने हैं कि एम्पियर आवर जो है किसका यूनिट हो सकता है और ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। और देख रहा हूँ कि बच्चे काफ़ी खुश है आज के सेशन में और इसका आंसर फटाफट कर भी रहे हैं और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर।
ये जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका बहुत सारा आंसर सी दे रहे हैं, और एक दो बच्चे इसका आंसर बी पर भी जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अब देख रहे हैं, अब लगभग 50-60% बच्चे जो हैं ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं। तो बच्चों, एम्पेयर आवर जो होगा हमारा एनर्जी का ही यूनिट होगा। चलिए अब लाइफ सिस्टम को खतरनाक दौर में पहुंचाया जाए, और ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये भी हमारा इलेक्ट्रोस्टेट से लिया गया। कहता है एक कूलम आवेश कितने ESU है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के बराबर होगा। ऑप्शन ए है 3×10⁻¹, बी जो है 9×10⁻¹, सी जो है 8.85×10⁻¹², डी है आपका नन। बच्चों बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं आप लोग का वेट करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। कहता है 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू है ना कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के बराबर होगा, ये आपको बतानी है। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है ना इस बार आंसर, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी पर भी जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी पर भी कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों कि इस क्वेश्चन का आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा चौथा प्रश्न है लाइव सेशन का। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये पांचवा क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी उम्दा क्वेश्चन है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन ए जो है कूलम इंटू मीटर, बी जो है कूलम पर मीटर, सी जो है कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, डी है नन। आपको बतानी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होगा, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे हिसाब से तो बताइए, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या इसका आंसर करते हो। ठीक है, चार विकल्प है ए बी सी और डी, इस चार विकल्प में से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा डायपोल मोमेंट को हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, पी इज इक्वल टू 2qI×L होता है, एल 2L जो होती है हमारे डायपोल के बीच की दूरियां होती है, क्यू आवेश होती है, इस पे आप निकाल सकते हो। यानी कि मेरे हिसाब से, मैं देख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या आप लोग तो एकदम आंसर फटाफट कर रहे हो, और देख रहा बहुत सारे बच्चे जो है ना इस बार आंसर ए ऑप्शन पे जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ए ऑप्शन कर रहे हैं। बच्चों कूलम इंटू मीटर ही हमारा जो है ना इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का SI यूनिट होगा। चलिए और आगे बढ़ा जाए, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना छठा है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। कहता है कि व्हाट इज द बुलियन सिंबल ऑफ लॉजिक गेट, यानी कि एंड लॉजिक गेट है उसका बुलियन प्रतीक क्या है, यानी सिंबॉलिक कह सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी और डी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा बच्चों कि डी होगा। और ये काफ़ी जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, आपका और गेट है, नोट गेट है, नैंड गेट है, ठीक है, तो नोट गेट है, तो ये सभी का ना हमारा सिंबॉलिक भी आता है एग्जामिनेशन में, और इसकी ट्रुथ टेबल का भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और लॉजिक गेट को डिफाइन करने पर भी क्वेश्चन आती है कि लॉजिक गेट है हमारा क्या। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो है इस बार ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, और एकाध बच्चे जो है ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा एंड गेट का। चलिए लाइव सेशन को और आगे बढ़ाया जाए, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन में से एक है। कहता लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, पहला ऑप्शन है लाइट एम्प्लीकेशन बाय एस्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बी जो है लाइट एम्प्लीकेशन ऑफ एस्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन,
ठीक है। और सी जो है ए एंड बी डी आपका नन है, यानी कि लेज़र, एल ए एस ई आर, लेज़र का फुल फॉर्म, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। कभी कभी हमारा मेज़र का भी आता है, कभी कभी डब्लू 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 का भी आता है, तो कभी कभी लेड का भी आता है। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और इसमें तो आपका मुख्यतः दो ही ऑप्शन होना चाहिए बच्चों, ए और बी होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि कौन इसका आंसर आप करते हो। तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चों, काफ़ी इसका सुटेबल आंसर होगा। चलिए और आगे बढ़ा जाए, और इसमें मैं आप लोग का वेट करना चाहूँगा। इस क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर एट कहता है, दी पावर ऑफ टू लेंसेज आर 12+12 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर, दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट कोएक्सली, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। इन कहता है ना कि हमारा दो लेंस की क्षमता जो है ये दी हुए है +12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, और वे दोनों लेंस को यदि हम एक ही अक्ष पर दोनों को कॉन्टेक्ट में, दोनों को सटाकर रखते हैं, यानी कि दोनों को संपर्क में रखते हैं, तो कहता है कि उससे जो कॉम्बिनेशन का, उससे जो कॉम्बिनेशन लेंस मिलेगा हमको, उसकी हमको फोकल डिस्टेंस निकालनी है। और मैं इसमें वेट करना चाहूँगा आप लोगों की इसका आंसर क्या देते हो आप, ठीक है। और ए ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर, डी है नन। बताइए कि हमारा यहाँ जो हमारा कॉम्बिनेशन यानी संयुक्त, इसको कह सकते हैं संयुक्त फोकल डिस्टेंस आपको निकालनी है दो लेंस का, दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा हुआ है। पहला लेंस हमारा +12 डायोप्टर है और दूसरा लेंस -2 डायोप्टर है। मैं देख रहा हूँ इस बार बच्चे जो है काफ़ी संख्या में इसका आंसर जो है अब करना शुरू कर दिए हैं और ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इस क्वेश्चन का ना करेक्ट आंसर आपका होगा, आठवां प्रश्न का, नहीं 10 सेंटीमीटर होगा। ऐसे इस पर आप बैठा दो P बराबर जो है ना P1 और +P2, ये हमारा P इक्विवेलेंट है, इस पर आप बैठा दो आंसर पालोगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं लाइव सेशन में हम, और ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो। कहता है, दी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर है ऑप्शन नंबर ए MLT-3 A-1, बी जो है ML2T-3 A-1, सी जो है ML M2L2T-3 A-1, डी आपका नन है। बताइए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की डायमेंशन फॉर्मूला जो है क्या होती है, यानी कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हमें बतानी है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस बार काफ़ी संख्या में बच्चे लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं और क्वेश्चन का आंसर देना भी शुरू भी कर दिए हैं, और बहुत सारे बच्चे इस बार जो है ना, कुछ बच्चे यानी एक आध बच्चे बी पर जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो है ना ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों ना इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ा जाए लाइव सेशन को। चलिए ये क्वेश्चन में भी मैं आप लोग का वेट करना चाहूंगा, ये है दसवां प्रश्न आपके लाइव सेशन में। कहता है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता निकालनी है पी और क्यू के बीच में। ये पी है और ये क्यू के बीच में हमारा, कहता है कि इसका ना आपका संधारित्र का कैपेसिटेंस निकालिए पी और क्यू के बीच में। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। हमारा कैपेसिटर से लिया गया है, इसमें तीन कैपेसिटर जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और वह तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला एक कैपेसिटर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इस पर बच्चे जो है ना काफ़ी अच्छा आंसर दे रहे हैं, और वो जो है ना यानी कि ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ए ऑप्शन ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा, और दसवां प्रश्न का आंसर आपका ए ही होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी उम्दा क्वेश्चन है, और
बताइए, कहता है फॉर एन आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस ऑफ दिस अमीटर, में आदर्श अमीटर का प्रतिरोध का मान क्या होता है। ए ऑप्शन है जीरो, बी है इनफाइनाइट, सी ए एन बी, डी आपका नन है कि आदर्श हमारा जो अमीटर होता है जिसके द्वारा करंट का मेजरमेंट किया जाता है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट किया जाता है, उसमें जो रेजिस्टेंस लगा होता है ना उसको बताना है कि उसका मान क्या होता है, जीरो होता है कि इनफाइनाइट होता है, कि जीरो इनफाइनाइट दोनों होता है, कि आपका डी नन। इस बार मैं देख रहा हूँ बच्चे जो है ना आपका, कुछ बच्चे इसका बी भी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी ऑप्शन कर रहे हैं। ये 11वां प्रश्न है हमारे लाइव सेशन का। तो मैं इस क्वेश्चन का बताना चाहूँगा कि जो आइडियल अमीटर होता है ना उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वह शून्य होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 12वां प्रश्न भी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही लिया गया है। कहता है फॉर एन आइडियल वोल्टामीटर द रेजिस्टेंस विल बी, यानी आदर्श वोल्टामीटर के लिए प्रतिरोध का मान क्या होता है। ए ऑप्शन है जीरो, बी है इनफाइनाइट, सी है ए एन बी, डी है आपका नन। यानी कि 11वां प्रश्न दोनों 12वां दोनों एक ही तरह का क्वेश्चन है, लेकिन सर फर्क ये है इसमें हमारा जो है ना आदर्श वोल्टामीटर है कि इसके लिए हमारा प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस बार काफ़ी संख्या में बच्चे जो है ना इसका ऑप्शन बी पर जा रहे हैं, इसका ऑप्शन जो है बच्चे बी ऑप्शन पर जा रहे हैं और एकाध बच्चे ए ऑप्शन कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बी ही होगा कि आदर्श वोल्टामीटर की जो प्रतिरोध होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब ये है ना, ये हमारा है 13वां नंबर प्रश्न इस लाइव सेशन का, जरा इसको देखते हैं क्या करता है। यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच टी मोटाई का डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी। इफ ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी, ऑप्शन है सी बराबर आपका ये दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और बटा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बी जो है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू ए बाई डी और सी जो है ए एंड बी, डी है आपका नन। तो ये हमारा काफ़ी उम्दा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्यूशन बताने हो कि जो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसके बीच में यदि हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं तो उसकी धारिता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे और ये क्या कहता है सो देखिए। कहता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी, यानी धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए एम्पियर इंटू मीटर, बी जो है एम्पियर पर मीटर माइनस टू, सी जो है एम्पियर इंटू मीटर माइनस टू, ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, डी आपका नन है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। इस बार बच्चे जो है ना इसका आंसर काफ़ी मात्रा में यानी काफ़ी अच्छे जा रहे हो आप लोग और हमारा करेंट डेंसिटी का जो धारा घनत्व होता है यानी करेंट डेंसिटी की जो एसआई मात्रक होती है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा उसी पर आधारित है, 15वां नंबर प्रश्न। कहता है व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, धारा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा। एम जीरो एल माइनस टू टी जीरो और ए और बी जो है कहता है एम एल माइनस टू टी जीरो और ए, सी जो है एम जीरो एल जीरो टी जीरो और ए माइनस टू और डी आपका नन है। धारा घनत्व का विमीय सूत्र आपको बतानी है, ठीक है, किसका विमीय सूत्र क्या होगा। ये भी काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपका प्रत्येक ईयर जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आती है उसमें एक से दो क्वेश्चन हमारा विमीय सूत्र पर होता है और एक से दो क्वेश्चन जो है हमारा एसआई मात्रक पर होता है। मैं देख रहा हूँ इस पर बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं और बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग और बहुत सारे बच्चे जो है ना यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ये 15वां नंबर प्रश्न का। चलिए ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है,
सॉरी छोटा सा, थोड़ा सा छोटा हो जाए। चलिए ये हमारा 16वां नंबर प्रश्न था ना, कहता है व्हाट इज द डिब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एसोलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। कहता है द ब्रोगली वेवलेंथ किसी इलेक्ट्रॉन का डिब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा यदि वह विभवांतर 100 वोल्ट में त्वरित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है 1.22 एंगस्ट्रम, बी जो है 0.122 एंगस्ट्रम, सी जो है 12.2 एंगस्ट्रम, डी आपका नन है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई किए होंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा बराबर एच वाई पी होता है। तो मैं देख रहा हूँ सर बच्चे थोड़ा सा आंसर करने में कंफ्यूज कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें बच्चों आप लोग का टाइम लग सकता है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए करना चाहूँगा, 1.22 ए एंगस्ट्रम होगा। अब ये 17वां नंबर प्रश्न है ना, इसमें भी मैं भी आप लोग का वेट करना चाहूँगा इसका, तो आप लोग सही आंसर पूछता हूँ क्या होगा। कहते हैं ये खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता 8 है और इसकी नली की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, तो लेंसों की फोकस दूरियां क्या होगी इफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग ए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 8 कंसिस्ट ऑफ टू थिन लेंसेज 45 सेंटीमीटर देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज। यानी कि हमारा जो खगोलीय दूरबीन होता है उसमें पहला जो होता है ना ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दूसरा आई लेंस होता है। तो कहता है यदि नली की लंबाई यानी कि नली की जो लंबाई होती है वह हमारा यदि 45 सेंटीमीटर है और टेलीस्कोप की जो आवर्धन क्षमता होती है वो 8 है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए। यह हमारा लाइव सेशन का 17वां नंबर प्रश्न है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका इसका सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन में आती है। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका डिटेल्स भी पूछता है कि इसका बताइए इसका आंसर किस तरह से आप लोग ने निकाला। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर अब आके आंसर शुरू किए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों। तो मैं देख रहा हूँ कि इस बार बच्चे जो है ना ए ऑप्शन कर रहे हैं, ए ऑप्शन कर रहे हैं, यानी कि बच्चे जो है ना इसका ऑप्शन ए ही बच्चों ना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लाइव सेशन में आगे और बढ़ा जाए। और ये भी क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न जो है ये भी हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें भी आप लोग वेट करना चाहूँगा। कहता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिड्यूस टू 25% ऑफ इनिशियल मास इन 1000 ईयर्स फाइंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड। कहता है एक रेडियो सक्रिय तत्व 1000 वर्ष में घटकर 25% रह जाता है, तो अर्थ जीवन का मान क्या होगा, तो उसके अर्थ जीवन का मान क्या होगा, ये होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए है 500 ईयर्स, बी जो है 250 ईयर्स, सी जो है 1000 ईयर्स, डी जो है नन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसलिए मैं वेट करना चाहूँगा इस क्वेश्चन में आप लोग का, कि हमारा लाइव सेशन का 18वां नंबर प्रश्न है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का आपका न्यूमेरिकल्स भी आती है एग्जामिनेशन में। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो फिर इसका जवाब दो। तो मैं देख रहा हूँ कि अब जाके बच्चे जो है ना इसका आंसर करना शुरू कर रहे हैं, और चलिए कोई बात नहीं, कुछ बच्चे सही भी इसका आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। तो मैं ही बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए है ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा ये ना हमारा 19वां प्रश्न है इस लाइव सेशन का, कहता नैंड गेट का आपका सिम्बोलिक क्या होगा। आपके स्क्रीन बोर्ड पर ए बी सी और डी दिख रहा होगा, ठीक है, बताइए फटाफट कि नैंड गेट का हमारा ये सिंबॉलिक क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। है ना नैंड गेट, नैंड ये हमारा दो लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि इस पर बच्चे जो है ना काफ़ी संख्या में बी ऑप्शन कर रहे हैं, नहीं बी ऑप्शन ही बच्चों ना इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब हमारा लाइव सेशन का 20वां नंबर प्रश्न है, कहता है कि लेंसों के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए। ये हमारा लेंस है जिसमें चार मीडियम दिया हुआ है, जिसकी अपवर्तनांक जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा μ1, μ2, μ3 और μ4 है। तो आपको बतानी है कि यदि इसके प्रधान अक्ष पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इसमें हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसकी संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 7। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इमेज कहता है कि क्या होगा। तो मैं ये इस बार देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है ना करना आंसर शुरू भी कर दिए, कुछ बच्चे बी भी कर रहे हैं इसका आंसर। मैं देखना चाहता हूँ कि और बच्चे और भी क्या आंसर करते हो। तो चलिए मैं भी इसका आंसर बताता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी है ना बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ये तो आप बता दो, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। कहता है बूस्टर का नियम है, व्हाट इज द लॉ ऑफ बूस्टर। μ=sin IP, b=μ=cos IP और c=μ=tan IP, d=μ=tan²IP। तो बताइए इसका कि बूस्टर का नियम किस पर आधारित है, यानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर कुछ सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, और तो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर होगा बच्चों। अब यह है 22वां नंबर प्रश्न है हमारे लाइव सेशन का। कहता है कि प्रकाश का अनुपस्थित तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है, द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। ऑप्शन ए व्यतिकरण, बी है रिफ्लेक्शन, सी है पोलराइजेशन, डी है स्पेक्ट्रम। ठीक है, वर्ण विक्षेपण जिसको कहते हैं। तो बताइए कि हमारा 22वां नंबर प्रश्न का कि हमारा जो लाइट का ट्रांसवर्स वेव होता है ना उसकी प्रकृति क्या होती है, अनुपस्थ तरंग की प्रकृति क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है। तो ये 22वां नंबर प्रश्न का मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर करने में कन्फ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं भी इसका आंसर बताता हूँ बच्चों कि वर्ण विक्षेपण होता है, यानी स्पेक्ट्रम जो होती है। ये तो आप बता ही दो, ये क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है, आवेश की, विभवांतर की, धारा की, एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर्ड है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम क्या मापते हैं। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है आपके इस लाइव सेशन का। मैं देख रहा हूँ इस पर जो है ना बहुत सारे बच्चे, मैं कह नहीं सकता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर डी पे जा रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हमारा 24वां नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है आपके, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बीच चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। b²/μ0, b²/2μ0, c²/3μ0 और d आपका नन है। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों कि दी एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज। इस पर देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है ना इसका आंसर ए भी कर रहे हैं, और अब देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे इसका आंसर बी भी कर रहे हैं। तो चलिए कंफ्यूज नहीं रहिएगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों बी ऑप्शन करता हूँ। ठीक है, चलिए हमारा 25वां नंबर प्रश्न है इस लाइव सेशन का। कहता है द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ बी बाई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो जो होता है उसका इसका यूनिट बताना है, मात्रक बताना है ना। इसको है मीटर सेकेंड इन्वर्स, बी जो है सेकेंड मीटर इन्वर्स, सी जो है आपका मीटर सेकेंड, डी जो है मीटर सेकेंड इन्वर्स 2। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं देख रहा हूँ बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं बहुत सारे बच्चे ना, इस बार जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी ऑप्शन कर रहे हैं। नहीं बच्चों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 25वां नंबर प्रश्न है हमारे लाइव सेशन का। ठीक है, तो आज के लाइव सेशन में हमारा ये 25 प्रश्न ही था। तो हम मिलते हैं अगले लाइव सॉल्यूशन में, और इस लाइव सेशन को आप लोग ज्वाइन करना और लाइक करना ना भूलेंगे, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और बताइएगा हमको कमेंट करके कि क्या इस सेशन में
हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो संग्रह है आपके लिए क्या मायने रखता है और ये VVI है कि नहीं, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।